हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद के पहले अध्याय, जिसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। रामायण का यह समरी है। इसके श्लोक संख्या 91 तक हमने कर लिया था, जिसमें इस श्लोक में लास्ट टाइम हमने यहाँ तक चर्चा किया था। नगराणि चराश्राणि धन धान्य युतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे यत्तथा। यहाँ पे भगवान रामचंद्र आए वापस रावण का वध करने के पश्चात, और अयोध्या में उनका राज्याभिषेक होता है और राजा के रूप में भगवान रामचंद्र राज्य करने लग जाते हैं, यानी राम राज्य स्थापित हो जाता है। तो उस राम राज्य में उसका क्या प्रभाव है, लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन दो तो तीन श्लोकों में नारद मुनि करते हैं कि हर प्रकार के जो क्लेश हैं उन सब से सभी जितने भी अयोध्या वासी वो मुक्त हो जाते हैं, और जितने प्रकार के ऐश्वर्य हैं, सुख सुविधाएं हैं, धन धान्य, ये सब उनको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। ये वर्णन अभी तक हमने श्रवण किया। अब अगले कुछ श्लोकों में नारद मुनि भगवान रामचंद्र किस प्रकार से राज्य कर रहे थे इसका वर्णन करते अश्वमेध सतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णिकय गवाम कोट्ययुतम दत्त्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति असंख्येयम धनम दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा। रामा ऑफ ग्रेट फेम विल परफॉर्म सेवरल अश्वमेध एंड बहु सुवर्णक सेक्रीफाइसेस गिविंग चैरिटी दिस मेनी काउस। इसको काउंट करना है, कोटि अयुतम है ये कोटि अयुतम के अरबों की संख्या में काउस गायों को, और इमेजरेबल वेल टू द ब्राह्मणर्स एंड डिपार्ट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस श्लोक से ये प्रतीत होता है कि नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को रामायण सुना रहे हैं, और ये रामलीला होने के पूर्व भी उन्होंने सुना दिया, तभी यहाँ पे बोल रहे हैं अश्वमेध सतह इष्टवा विल परफॉर्म। भगवान रामचंद्र ऐसे हजारों की संख्या में अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और कितने हजार साल तक, 10,000 साल तक भगवान रामचंद्र यज्ञ करते हैं और इतनी गायों को दान देते हैं, 6, 9, 11, 10^11 काउस, 1 लाख, या ये 10 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ गायों को दान दिए। तो यज्ञ, यानी अगर 10,000 यज्ञ बोलेंगे तो 1-1 करोड़, या 1,000 यज्ञ किए तो 10-10 करोड़ गायों को हर यज्ञ में दान करते, क्योंकि एक एक यज्ञ तो कई साल, कई दिनों, कई महीनों तक चलता। तो इस प्रकार से जो है भगवान रामचंद्र जो त्रेता युग का जो युग धर्म है यज्ञ करना, उसको खुद आदर्श होकर के, उसको स्थापित करके भगवान रामचंद्र और चले जाते हैं वापस आध्यात्मिक जगत। रामा हैड अटेन्ड ग्रेट फेम बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग हिज सिटीजंस। पिछले श्लोक में भगवान रामचंद्र को क्या बोल रहे हैं, गवाम कोट्ययुतम दत्वा ब्रह्म लोकम प्रयास्यति असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा। कौन रामचंद्र कौन है, महायशा, रामा ऑफ ग्रेट फेम। तो महायश क्यों मिला क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से अपने अयोध्या वासियों का पालन पोषण करने के कारण भगवान रामचंद्र को महायश की प्राप्ति हुई। दस इट इज इंडिकेटेड दैट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन हिज किंगडम वर प्योर एंड सो फिट फॉर सेक्रीफाइस। ही परफॉर्म सेवरल सेक्रीफाइसेस। कितने साल तक सेक्रीफाइसेस किए, यहाँ के वर्णन प्राप्त होगा, 10 वर्ष सहस्राणि वाजमेधम वा करोत। रामा परफॉर्म अश्वमेध सेक्रीफाइसेस फॉर 10,000 ईयर्स। 10,000 राज्याभिषेक के पश्चात की बात, यानी रावण का वध करने के पश्चात जब भगवान रामचंद्र पहुंचते हैं, उसके जब राज्याभिषेक हो जाता है, राजा बन जाते हैं, उसके पश्चात भगवान रामचंद्र 10,000 वर्षों तक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करते हैं और राज्य संभालते हैं। और ये करने के बाद ये त्रेता युग की स्टार्टिंग है,
युग के प्रारंभ में इस प्रकार से भगवान रामचंद्र युग धर्म को स्थापित करके, एक आदर्श स्थापित करके फिर वापस अपने धाम साकेत धाम को लौट जाते हैं, और उसके पश्चात सब उनके पद चिन्हों में पालन करके पूरे त्रेता युग में, त्रेता युग लगभग 12,64 करोड़ साल होता है, त्रेता युग का आयु है इतना। तो शुरुआत में ही 10,000 वर्षों तक भगवान रामचंद्र युग धर्म स्थापित किए और फिर अपने धाम चले गए, और अगले 12 लाख जो है 54,54 हजार वर्षों तक सब आने वाले जितने भी महान राजा हुए उनको पालन किए। बहु सुवर्ण का सेक्रीफाइसेस आर दोज इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट फॉर द सेक्रीफाइस। बहु सुवर्ण यज्ञ का मतलब बता रहे हैं जिसमें बहुत मात्रा में स्वर्ण सोने का इस्तेमाल किया जाता। दी सेक्रीफाइस इज दैट ही हैड कंडक्टेड लेटर इंडिकेट दैट ही हैड ऑल्सो कंडक्टेड सेक्रीफाइस अर्लियर, सेक्रीफाइस लाइक अग्निस्टोमा। ब्रह्म लोकम इंडिकेट्स दैट लॉर्ड रामा विल डिपार्ट टू द वर्ल्ड ऑफ द सुप्रीम ब्राह्मण दैट इज हिमसेल्फ, दैट इज ही विल डिपार्ट टू हिज सुप्रीम अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट मीन्स वैकुंठ, वैकुंठ लोक को वापस चले जाते। राम ऑफ ग्रेट फेम इज एन इंडिकेशन दैट ही विल गिव अप सीता देवी सिंपली अपॉन हियरिंग सम क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पब्लिक, बिकॉज इट इज स्टेटेड दैट ही विल परफॉर्म अश्वमेध सेक्रीफाइसेस फॉर 10,000 ईयर्स एंड दैट ही विल परफॉर्म द रेगुलर सेक्रीफाइसेस विदाउट सीता देवी, इट इज अंडरस्टूड दैट सीता वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हिम शॉर्टली आफ्टर हिज कोरोनेशन। तो ऐसा यहाँ पे वर्णन प्राप्त हो रहा है, भगवान रामचंद्र अपने राज्य राज्याभिषेक के तुरंत बाद यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं, और जितने भी यज्ञ भगवान रामचंद्र किए अश्वमेध यज्ञ 10,000 साल तक करते हैं वो बिना सीता माता के करते हैं। इसका मतलब राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात ही सीता माता को वो त्याग देते हैं। दैट ही विल परफॉर्म अश्वमेध सेक्रीफाइसेस फॉर 10,000 ईयर्स एंड ही विल परफॉर्म सेक्रीफाइस विदाउट सीता देवी, तो इट इज अंडरस्टूड दैट सीता वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हिम शॉर्टली आफ्टर हिज कोरोनेशन। ही वुड स्टार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द अश्वमेध सेक्रीफाइस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सिंस इन्वॉल्व्ड इन किलिंग रावण एंड ही वुड डू सो विदाउट डिले। सीता वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हिम बिफोर ही बिगिन द अश्वमेध सेक्रीफाइस बिकॉज इन द फर्स्ट अश्वमेध सेक्रीफाइस ही वुड यूज अ गोल्डन इमेज ऑफ हर, दैट इज दिस इज एन अथॉरिटेटिव मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइस वुड बी डिस्क्राइब्ड लाइक। इसीलिए जो पहला अश्वमेध यज्ञ किए भगवान रामचंद्र उसमें भी बिना सीता माता के किए, सीता माता का स्वर्ण सीता का रूप रख के भगवान रामचंद्र को करना पड़ा। हैविंग डिस्क्राइब्ड हाउ रामा कैरीज आउट धर्म द सेज डिस्क्राइब्स इन द नेक्स्ट वर्स हाउ ही कॉजेज अदर्स टू कैरी आउट धर्म। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र 10,000 सालों तक अपने धर्म का उचित तरीके से पालन करते हुए, धर्म की संस्थापना को तो ध्यान में रखते हुए यज्ञ करते हुए राज्य करते हैं, उसके पश्चात ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म लोक मतलब इस भौतिक जगत का ब्रह्म लोक नहीं, ब्रह्मा जी का लोक नहीं, ब्रह्म लोक मतलब आध्यात्मिक लोक, यानी अपने वैकुंठ अयोध्या साकेत धाम को वापस लौट जाते। राजवंशान सतगुणान स्थापेश यति राघव चातुर्वर्ण्यम च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति दैट डिसेंडेंट ऑफ रघु विल मल्टीप्लाई द रॉयल डायनेस्टी इज 100 टाइम्स, ही विल ऑल्सो हैव द 4 वर्णास इन हिज किंगडम कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक वर्ण धर्मास आश्रम धर्मास। तो न केवल भगवान रामचंद्र खुद अपने क्षत्रिय धर्म राज धर्म का पालन अच्छे तरीके से कर किए, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि हर व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस वर्ण में है उस वर्ण के जो रिस्पेक्टिव उनके ड्यूटीज हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनका पालन वो अच्छे से कर सके। तो ये होती है एक राजा की जिम्मेदारी। राजा की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी जो है ने धर्म राज धर्म का क्षत्रिय धर्म का पालन करें, वो है यज्ञ करना और
जो है रक्षा करना, ये जो चीजें दान देना और ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये तो राजधर्म है, क्षत्रिय धर्म वो तो करना ही। लेकिन जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा को भी उसी प्रकार से उनके धर्मों को पालन करने के लिए प्रेरित करते, तो राजा का ड्यूटी है जो व्यक्ति का जो धर्म है वो अपने धर्म का अच्छे से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉपर या तो प्रेरणा दिया जाए या तो उसको सजा दिया जाए, साम दंड भेद जो भी इस्तेमाल करके उसको अपने धर्म का पालन करने में लगाना चाहिए। कौन सा धर्म? वर्ण आश्रम। अगर कोई क्लेम करता है कि वो ब्राह्मण है, अगर कोई बोलता है कि वो ब्राह्मण है, तो अपने ब्राह्मण धर्म का पालन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये राजा का ड्यूटी होता है तो देखना। कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी प्रकार से कोई वैश्य है, शूद्र है, तो उससे अपने धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं, कोई ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ संन्यास उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये राजा का कर्तव्य होता था। और नहीं कर रहा है तो उसको राजा को रूल्स रेगुलेशन प्रेरणा दे करके रिक्वेस्ट करके तो वो करवाना होता है, क्योंकि ऑफकोर्स ब्राह्मणों को राजा जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों को दंडित नहीं कर सकता है, ब्राह्मण तो उसके ऊपर होते हैं, उसके गुरु होते हैं, लेकिन राजा का ड्यूटी है कि समाज में जो ब्राह्मण अपना कर्तव्य पालन करे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपने आप को ब्राह्मण क्लेम कर रहा है लेकिन ब्राह्मण के गुण और कर्म नहीं है उसके अंदर, तो राजा का ड्यूटी होता है कि उसको जो उसका अनड्यू एडवांटेज है ब्राह्मण बनने का वो गलत फायदा न उठा सके। ब्राह्मण का अधिकार होता है भीख मांगना, भिक्षा मांग, भिक्षा जिसको आजकल आजकल अगर आप बोलेंगे कि भीख मांगना तो ये बहुत ही घृणित कर्म लगता है, ये बहुत ही बेकार कर्म है, ये भिखारी है। लेकिन वास्तव में भिखारी कौन होता है? भीख मांगने का अधिकार केवल जो है जो सन्यासी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको ही होता है, और ये सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाता है। एक महान आचार्य हुए वर्णन करते हैं कि भिक्षा मांगने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जो इस भौतिक संसार के ऐश्वर्य से भोग विलास से पूर्ण रूप से विरक्त है, केवल उसी को अधिकार है भीख मांगने, और वो भीख मांग करके उससे अपने जीवन निर्वाह के लिए शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यकता है उतना इस्तेमाल करता है, और बाकी जो भी वो भीख के रूप में, भिक्षा के रूप में या डोनेशन के रूप में जिसको दान भी बोलते हैं उसको प्राप्त करता है, तो उसको वो भगवान के सेवा में लगाता है, ये होता है। तो एक राजा का ये जिम्मेदारी होता है कि अगर वो देखता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है, सन्यासी बोल रहा है, तो क्या वास्तव में वो ब्राह्मण और सन्यासी के गुणों को धारण किया है, उसको उसके पास योग्यता है कि वो जाके भीख मांग सके या लोगों को इस प्रकार से सन्यासी और गुरु बन सके, तो ये राजा की जिम्मेदारी होती थी। तो अगर कोई नहीं होता था योग्य तो राजा उसको फिर उसको जो है प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो ये उसके। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया है कि हर कोई अपने विचार को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, प्रेस में, बुक्स में, कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा का कर्तव्य होता था कि वो चेक करेगा, अगर कोई भी कोई उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, या कोई अपना आश्रम चला रहा है, मठ चला रहा है, तो क्या वो प्रामाणिक है? प्रामाणिक मतलब वो गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए, वो प्रामाणिक ज्ञान देना चाहिए, भगवद गीता यथा रूप का पालन करना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं कि कुछ भी कहने के लिए तो साधु बन गया है या सन्यासी बन गया है और गलत फायदा उठा रहा है, साधु सन्यासी के वेश में जो है भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, या पैसा इकट्ठा कर रहा है, ऐश्वर्य इकट्ठा कर रहा है, लेकिन वास्तव में सन्यासी और साधु के गुण नहीं है, वो तो कोई भगवान का या धर्म का या भक्ति का प्रचार नहीं कर रहा है, वो केवल इसका अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, तो वहां पे रोक लगाना चाहिए। इस प्रकार से राजा के कर्तव्य होते हैं। तो भगवान रामचंद्र अपने कर्तव्य का पालन करते थे, साथ ही साथ में वो मेक श्योर करते थे कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं तो अपने गुणों और कर्म के अनुसार वो प्रॉपर तरीके से उसका निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो राम राज्य था। तो रामराज, असली रामराज कब स्थापित होता है? कि जो राज्य पद पे है वो अपने धर्म का पालन करे, साथ ही साथ में वो इतने कैपेबल होने चाहिए और इतने प्रेरणादायक होने चाहिए कि हर व्यक्ति उनके राज्य में अपने अपने जो धर्म है उनका पालन सही तरीके से कर सके, तब असली रामराज्य स्थापित होता है। ही विल गिव ईच रॉयल डायनेस्टी अ किंगडम एंड कॉज देम टू मेंटेन देम इन ऑर्डर टू पॉइंट आउट द अबंडेंट एडवांटेजेस इनकर्ड by his re-establishment of dharma, the sage describes in the next verse that he protected his kingdom for a long time. इस प्रकार से
तरीके से धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान रामचंद्र लंबे समय तक जो है राज्य को रूल किए और इस प्रॉपर तरीके से इतने अच्छे नियम कानून बनाए, प्रेरणा दिए कि हर कोई अपने अपने धर्म का सही तरीके से पालन कर पा रहा। 10 वर्ष सहस्राणि, 10 वर्ष सहस्राणि, 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम गमिष्यति। सो आफ्टर रूलिंग ओवर हिज किंगडम फॉर 11,000 ईयर्स रामा विल गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो 11,000 वर्षों तक भगवान रामचंद्र राज्य किए थे, जिसमें से शुरू के जो 10,000 वर्ष थे भगवान रामचंद्र यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, कई यज्ञ करते हैं। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि 2400 घंटे बैठ कर यज्ञ ही करते रहते, वो यज्ञ करते थे और साथ ही साथ में राज्य को भी निर्वाहन करते थे। और यज्ञ 10,000 वर्षों के साथ यज्ञ कंप्लीट करने के पश्चात 1,000 साल और वो रूल करते हैं और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत अपने नित्य सनातन धाम अयोध्या धाम में वापस जाते हैं। दिस वर्स ऑल्सो रिवील्स दैट रामा विल नॉट बिकम ऑब्सेस्ड विथ रूलिंग हिज किंगडम, ही विल लीव इट एंड गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ। द सेज पॉइंट्स आउट इन द नेक्स्ट वर्स दैट ए स्टडी ऑफ दिस इज अ मीन्स टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम इंटर एक्सिस्टेंस। तो ये पहला अध्याय है रामायण का और इसके पहले अध्याय में ये रामायण का पूरा सार वो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए जो विस्तार से कथा है वो अन्य स्कंध में आगे अध्याय में आएगी। यहाँ पे बस 2-3 श्लोकों में जो है भगवान के एक-एक कांड जो है उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ये आखिरी कांड उत्तर कांड का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। युद्ध कांड के बाद भगवान रामचंद्र राज्याभिषेक हो गया और उसके पश्चात फिर ये उत्तर कांड में भगवान रामचंद्र कैसे 11,000 वर्षों तक रूल करते हैं वो सब विस्तार में उनके कुछ मुख्य गतिविधियों का वर्णन करके नारद मुनि कर रहे हैं। तो यानी ये वाल्मीकि रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि को नारद मुनि रामलीला होने के पूर्व ही सुना चुके थे, पहले ही उनको बता दिए थे। और नारद मुनि को भी ब्रह्मा जी ने पहले 100 करोड़ श्लोकों में यही रामायण सुनाया था। और नारद मुनि ने कितने श्लोकों में सुनाया वाल्मीकि ऋषि को ऐसा वर्णन यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो भी वाल्मीकि ऋषि ने सुना उसमें से उन्होंने 24,000 श्लोकों में हम लोगों के हित के लिए 24,000 श्लोकों में रामायण को वर्णन कर रहे हैं। तो अब इस श्लोक में नेक्स्ट वर्णन कर रहे हैं। इदम पवित्रम पापघनम पुण्यम वेदैश्च समितम यः पठेत रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। अब यहाँ पे लाभ बता रहे हैं कि ये जो मैं रामायण राम कथा मैं करने वाला हूँ हे वाल्मीकि ऋषि, इसको जो भी व्यक्ति सुनेगा और इसको पढ़ेगा उसका क्या लाभ मिलने वाला है। दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड रामा इज प्यूरिफाइंग, इट डिस्ट्रॉयज सिंफुल रिएक्शन, इट इज ऑस्पिशियस, इट इज लाइक द वेदास, शी हु स्टडीज इट विल बी फुली लिबरेटेड फ्रॉम ऑल सिंफुल। तो इस ये जो एक अध्याय में पहला अध्याय है बिल्कुल समरी फॉर्म में बिल्कुल सार रूप में भगवान रामचंद्र के समस्त कार्यकलापों को वर्णन कर रहे हैं। तो केवल इस एक अध्याय को भी कोई सुनता है पढ़ता है तो उसके लिए उसको पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है, प्यूरिफाइंग है, उसके पाप को नष्ट कर देता है और उसके जीवन में शुभ आ जाता है। और ये जो रामायण है ये वेद है और ये इसको जो भी पढ़ेगा वो पूरी तरह से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो इदम पवित्रम, पवित्रम पापगनम, पापगनम मतलब पाप को नष्ट करने वाला, पुण्यम पवित्र, वेदैश्च समितम ये वेद के बराबर ही है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप में ये कौन बोल रहा है, ये वाल्मीकि ऋषि नहीं बोल रहे, ये स्वयं नारद मुनि बोल रहे हैं, नारद मुनि। और नारद मुनि कौन है, साक्षात ब्रह्म पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद मुनि का अथॉरिटी है, महाजन है नारद वैदिक शास्त्रों के, और ब्रह्मा जी से तो सारे वेद आए। तो कुछ मूर्ख लोग इस संसार में हैं जो बोलते हैं कि रामायण जो है वेद के समान नहीं है, रामायण जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वेद ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सोचते हैं कि रामायण तो कम बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के लिए लिखा गया है, इतिहास है ये तो,
लेकिन जो वेद पुराण है, वेद है पुराण नहीं, वेद और उपनिषद वेदांत सूत्र है, यही वास्तविक वैदिक ग्रंथ है। बाकी सब तो बस केवल कम बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा थोड़ा समझ सके इसलिए लिखा गया है, जैसे महाभारत हो गया, पुराण हो गया, रामायण हो गया। तो ऐसे कुछ अज्ञानी मूर्ख लोग होते हैं संसार में जिनको मायावादी सन्यासी, कुछ मायावादी सन्यासी होते हैं, वो स्वीकार नहीं करते रामायण को, महाभारत को और पुराणों को, भागवत पुराण को। लेकिन यहाँ पे द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी नारद मुनि खुद अपने शब्दों में बोल रहे हैं श्लोक, जो कि महाजन है, एक्सेप्टेड महाजन है। वो क्या बोल रहे हैं, वेदैश्च समितम, ये वेद के समान है, इट इज लाइक वेदास, तो वेद से बिल्कुल भी कम नहीं है रामायण। अगर इसका मतलब, अगर कोई रामायण को पढ़ लेता है, रामायण बोल रहे हैं मतलब रामायण भी एक इतिहास है, पुराण भी इतिहास होते हैं, तो पुराण हो और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ पुराण है भागवत पुराण, तो अगर कोई श्रीमद् भागवतम को पढ़ लेता है और या रामायण को पढ़ लेता है, गीता पढ़ लेता है, तो उसको वेद पढ़ने के बराबर ही फल मिलता है, एज गुड एज वेदास, वेद वेदांत सूत्र उपनिषद के समान ही है। और यहाँ तक कि अगर बोले तो ज्यादा महत्वपूर्ण है बल्कि, क्योंकि हम जैसे लोग जो इस कलयुग में हैं, जिनका अभी इतना बुद्धि नहीं रह गया कलयुग के लोगों के पास, तो वो लोग वेद उपनिषद और वेदांत सूत्र नहीं समझ सकते, तो हमारे लिए बल्कि रामायण और भागवत पुराण ही सर्वश्रेष्ठ, यही ज्यादा महत्वपूर्ण। इसको पढ़ने मात्र से हम क्या प्राप्त करेंगे, पवित्रता प्राप्त करेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और प्रमुच्यते, मुच्यते का मतलब होता है मुक्त हो जाना, उच्यते मतलब मुक्त हो जाना, प्रमुच्यते मतलब प्रकृष्ट रूपेण मुच्यते, पूरी तरह से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, पूरी तरह से मुक्ति मतलब भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग निराकारवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी होते हैं, वो लोग पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त करते, वो बस इस भौतिक संसार से तो मुक्त हो जाते हैं लेकिन वो ब्रह्म में बस जाके विलीन हो जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण मुक्ति नहीं। पूर्ण मुक्ति प्रमुच्यते मतलब कि जो भगवान के आध्यात्मिक धाम को प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्रमुच्यते बोला जाता है। दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड राम इज प्यूरिफाइंग, इट डिस्ट्रॉयज सिनफुल रिएक्शंस, ये हमने पढ़ा। दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड राम इज प्यूरिफाइंग, दैट इज इट इज अ मीन्स टू बिकम फुली प्योर, इट डिस्ट्रॉय सिंफुल रिएक्शन, इट इज ऑस्पिशियसनेस, दैट इज इट कैन प्रोड्यूस ऑस्पिशियसनेस, दिस इज लाइक द स्टेटमेंट अ प्लव इज द वेरी लाइफ ऑफ अ फार्मर, इसी प्रकार से ये जीवन है भगवान के भक्तों के लिए। देयर फॉर फॉर वन हु फेथफुली स्टडीज दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड रामास एक्टिविटीज, देर इज नो नीड टू परफॉर्म एनी ऑफ द अटोनमेंट्स प्रिस्क्राइब इन द धर्म शास्त्र टू डिस्ट्रॉय सिंफुल रिएक्शन, The atonements only destroy sinful reactions, they do not make one fully pure and produce auspiciousness. इसका मतलब ये है कि अगर कोई रामायण को पढ़ता है, सुनता है, श्रवण करता है प्रमाणिक तरीके से, तो उसको अन्य प्रकार के धर्म शास्त्र जितने भी हैं उसमें जो मेंशन अलग अलग प्रायश्चित हैं, यज्ञ या दान, तपस्या, ज्ञान, ये सब पालन करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को पाप से मुक्त करने के लिए। तो जो बाकी जो प्रायश्चित धर्म शास्त्र में बताए गए हैं, तपसा, ब्रह्मचर्येण, समेन, दमेन च, ये सब जो होते हैं, इससे व्यक्ति केवल पापों से मुक्त होता है लेकिन शुद्ध नहीं होता वास्तव में, उसके चेतना में फिर भी भोग करने की वृत्ति बनी रहती है, पाप के फल से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई इस ग्रंथ रामायण को, राम कथा को कोई सुनेगा, पढ़ेगा प्रमाणिक तरीके से, तो वो निश्चित रूप में ना केवल अपने पापों से मुक्त हो जाएगा बल्कि उसके हृदय में पवित्रता आ जाएगी, और उसका परिणाम क्या होगा, प्रमुच्यते, पूरी तरह से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज प्यूरिफाइंग, इट डिस्ट्रॉय सिंफुल रिएक्शंस एंड इट प्रोड्यूसेस ऑस्पिशियसनेस बिकॉज इट इज लाइक द वेदास, देयरफॉर ही हू स्टडीज इट लाइक द वेदास अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन अ डेली बेसिस विल बी कंप्लीटली लिबरेटेड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन, दिस इज कन्फर्म्ड इन द रामोपनिषद, रामोपनिषद में इसका कन्फर्मेशन। तो शिक्षा करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये रामायण का पहला अध्याय जिसका नाम कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड, तो लगभग कंप्लीट हो रहा है, लास्ट के 2 श्लोक बचे हुए, कल हम लोग उसको चर्चा कर लेंगे, जिसमें श्रुति फल दे रहे हैं राम, इस राम कथा को पढ़ने सुनने का क्या फल वो बता रहे नारद मुनि, तो सबसे बड़ा फल है कि हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, अब भगवान के नित्य सनातन धाम को प्राप्त कर सकते हैं रामायण को पढ़ करके और सुन करके। थैंक यू वेरी मच।